ठीक है, तो ये पूरा खुल गया है, तो अभी एक मेजरमेंट देख लेते हैं पूरा खुलने के बाद कितना है। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइनिंग टेबल के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में। सो लाइक फ्यू डेज बैक मैंने स्टेटस रखा था रिगार्डिंग दिस डाइनिंग टेबल ओनली, कि ये सुपर कॉम्पैक्ट है और सुपर बिग भी है। तो उस पर मुझे बहुत सारे DMs आए थे, बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मतलब इसका मेजरमेंट्स क्या है, ये आपने कहाँ से लिया है, देन ये जब बंद होता है तो इसका कितना मेजरमेंट है, ये जब खुलता है तब इसका कितना मेजरमेंट है, जब ये वन साइड खुलेगा तो इसका कितना मेजरमेंट है। तो तभी मैंने सोच लिया था कि इसका एक हम लोग वीडियो बना के शेयर करते हैं तो लोगों को आसानी होगी जानने के लिए। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी क्या खासियत है। ओके गाइस, सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल मैंने क्यों खरीदा है। तो फर्स्ट है स्पेस। तो ये अगर आप हॉल देख रहे हो तो ये एक 15x10 स्क्वायर फीट का हॉल है, दैट इज़ 150 स्क्वायर फीट का ओनली हॉल है। और इसमें अगर मैं फोल्डेबल डाइनिंग टेबल भी बनाता हूँ, मतलब जो दीवार में रखते हैं हम लोग, सो उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ना 3-4 लोग बैठ सकते हैं, मतलब अगर सीरियसली देखा जाए तो। एंड नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास था डायरेक्ट जो डाइनिंग टेबल आता है, मतलब उसको लाओ और उसको फैला दो डायरेक्टली, ठीक है, वो बंद नहीं होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो वो भी मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर भी वो मैं लाता तो मैं ऑक्यूपाई कर सकता था, बट वो बड़ा डाइनिंग टेबल आई कैन नॉट ऑक्यूपाई, ठीक है, मतलब एक छोटा सा चार जन बैठ सके, 5 जन बैठ सके, उतना तो मैं ले सकता था। तो लेकिन मैंने बाद में सोचा तो इट्स ए यूजलेस राइट, क्योंकि वो कंटिन्यूस इतना स्पेस अपना ऑक्यूपाई रहेगा और इतना बड़ा स्पेस नहीं है, लाइक 15x10 150 स्क्वायर फीट में मुंबई में। तो बिकॉज ऑफ दैट आई डिसाइडेड, मतलब मैं लॉन्ग टर्म से सर्च कर रहा था कोई ऐसा डाइनिंग टेबल जो फोल्डेबल हो और जो मतलब इजी टू यूज हो, इजी टू हैंडल हो। और एक चीज़ है, लाइक आप अगर दीवार में डाइनिंग टेबल बना देते हो तो उस बेसिकली उसमें क्या होगा ना, लाइक यू कैनॉट मूव एनीवेयर, तो वो उधर ही आपको जो भी है आपको उधर ही करना पड़ेगा। तो इन फ्यूचर अगर आपको लगा कि यार ये स्पेस तो मेरा किसी और रीजन के लिए ही जा रहा है, तो उस डाइनिंग टेबल को आप वहां से मूव नहीं कर सकते। तो ये भी एक मुझे चाहिए था, मुझे एक ऐसा डाइनिंग टेबल भी चाहिए था जो मेरा स्टडी टेबल का भी काम करे। और नेक्स्ट मेरा रीजन था ये लेने का कि ये सुपर बिग और सुपर कॉम्पैक्ट है। सुपर बिग अगर हम बात करते हैं तो अगर ये पूरा अगर खुलता है ना तो इस पे मिनिमम 8 पीपल तो आराम से बैठ सकते हैं, मिनिमम 8 पीपल। तो अभी हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं, लाइक ये ओपन होने के बाद, बंद होने के बाद एंड वन साइड ओपन होने के बाद कितना दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, अगर आप देखोगे ये मेरा सोफा है, सोफा के जस्ट बाजू में ये मैंने इसके लिए स्पेस रखा है, तो यू कैन सी ये कितना कॉम्पैक्ट है, ठीक है। और अगर आप परफेक्टली इसको देखोगे तो मैंने स्पेस करेक्टली मेजर करके लिया था, बिकॉज ये मेरा डोर है और ये डोर का आप अगर यहाँ पे लाइनिंग देखोगे तो ये बराबर कट टू कट उसके अंदर आ रहा है, ठीक है ये, और यहाँ से भी एकदम एकदम चिपक के है, राइट। तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने इसको देखा था और उसके बाद ही मैंने इसको ऑर्डर किया था, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑर्डर कर रहे हो, अगर आपका कोई स्पेसिफिक स्पेस है तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो पहले मेजरमेंट। और ये जो आपको छोटू सा दिख रहा है उसके बारे में हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसका भी मैंने ये जो आगे पिलर आया है उसके पीछे इसको डाल दिया। सो अगर इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली ओपन भी रखूँ ये मेरे डाइनिंग टेबल को वन साइड, तो ये मेरा स्पेस जो है दैट आई कैन यूज एज अ स्टडी टेबल। और इसका और एक मेजर यूज भी है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो हम इसका मेजरमेंट्स देख लेते हैं। ओके, तो अगर आप इसका मेजरमेंट्स देखते हो तो ये देखिए 6.5 इंचेस अराउंड इसका मेजरमेंट है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इसका हैंडल है, ऐसा सेम हैंडल कट हैंडल वहाँ पे वो दूसरी तरफ भी है, तो यू कैन टू पीपल कैन इजिली लिफ्ट। एंड ये इसका ऊपर का मैं व्यू दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे एक हिंजेस है, यहाँ पे एक हिंजेस है, देन द सेम थिंग गोज हियर, यहाँ पे भी एक हिंजेस है, यहाँ पे भी एक हिंजेस है, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको ओपन कैसे करें, एंड उसके बाद मतलब ये मेरा उसको रखने का स्पेस है तो यहाँ पे मैं उसको ओपन कर सकता हूँ वन साइड, और जैसे मैं ओपन करूँगा तो इसमें मैं लाइक जो मेरा स्नैक्स है कुछ भी कर सकता हूँ। तो देखते हैं कितना ये ईजी है। तो इसको जस्ट मैंने ओपन किया, ठीक है, ये जैसे ही ओपन हुआ तो नीचे इसके यू कैन सी हियर ये एक, तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है, ये पूरा बाहर निकलेगा और इसके पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पूरा ओपन स्पेस। ओके गाइस, तो जहाँ से इसको मैंने वन साइड ओपन किया है तो उसका टोटल मेजरमेंट है 34 इंचेस, ठीक है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे 34 इंचेस, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट सेकेंड साइड वाला देख लेते हैं, तो सेकेंड साइड इसका मेजरमेंट है वहाँ से ही, ठीक है, वो भी है 34 इंचेस। सो गाइज, अभी आप देख रहे हो इसको मैंने वन साइड ओपन कर दिया है और वहाँ पे भी एक जन बैठ सकता है ऑन सोफा, यहाँ पे भी चेयर लेके, यहाँ पे भी चेयर लेके बैठ सकते हैं लोग, ठीक है, मतलब 3 लोग आराम से स्नैक्स के लिए बैठ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और इसका ओपन करने में इतना कुछ झंझट है भी नहीं। सो ओके गाइज, जैसा आप देख रहे हो इसको मैंने वन साइड ओपन कर दिया है, जैसे वहाँ पे कॉर्नर में ओपन किया था, अभी
मेरा ये वन साइड ओपन ही है, तो आपको जैसे पता है वन साइड इसका जो साइजेस है वो 34x34 है, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा ओपन करता हूँ, तो द सेम थिंग यहाँ पे भी जस्ट एक आपको ऊपर करना है, इसकी जो नीचे का रहेगा वो लेके आपको इस पर जस्ट फिट कर देना है, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना डाइनिंग टेबल, अभी इसको मैं बोल सकता हूँ सुपर बिग। ओके गाइस, तो आप देख ही सकते हो अगर ये पूरा खुल जाएगा तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, सी। और मेरा ये लेने पीछे का मेरा क्या मकसद था कि मैंने चेयर नहीं लिया है बिकॉज ये सोफ़ा जो है ना, तो ये सोफ़ा करेक्टली एल शेप में है, तो अगर कुछ ओकेशन रहेगा कुछ रहेगा तो ही विल ऑल फैमिली विल सेट हियर एंड विल हैव अ डिनर और विल हैव अ लंच हियर। तो यही मेरा एक मकसद था इसके लेने के पीछे। अगर कुछ आपको नॉर्मल स्नैक्स वैक्स करना है तो ये ऑलरेडी वन साइड ओपन हम लोग इसको कर ही सकते हैं, तो वो तो हम लोग डेली करते हैं, और इसको मैं डेली वन साइड ओपन करके एज अ स्टडी टेबल यूज़ करता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट से मेजरमेंट लिया है टू यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं टोटल 62 inches, ठीक है, मतलब 5 फीट से भी ज़्यादा, 5.1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, वन साइड। अभी हम लोग ये साइड का मेजरमेंट देख लेते हैं, तो अगर मैं ये साइड का, ऑब्वियसली ये तो 34 ही रहेगा बिकॉज वो पहले ही देख लिया हम लोग ने, तो ये 34 है। ओके सो गाइस, स्टिल नाउ आपने देखा इसका मेजरमेंट्स क्या है, ये जब वन साइड ओपन होता है, बोथ साइड ओपन होता है, और ये जब बंद रहता है, तो इसका मेजरमेंट्स कितना है, तो यही देख के आपको लग जाएगा कि इसको लेना चाहिए। बट आप फर्स्ट देख लेना आपके मेजरमेंट्स क्या है, जहाँ पे आप रखने वाले हो, तो इसका मेजरमेंट्स परफेक्टली रख लेना, मतलब कर लेना, जैसे मैंने आपको 30 inches में इसका मेजरमेंट बताया है। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए, मतलब आपको इंचेस पता नहीं चल रहा है, तो यू कैन कन्वर्ट सेंटीमीटर और फीट में आप देख सकते हो एक बार करके, और एक बार मेजरमेंट ले लो, देन इसको ऑर्डर करो। अभी मेजर पॉइंट इसको ऑर्डर करने का मेरा था बिकॉज आपको मैंने जैसा ये हैंडल दिखाया है, ये यहाँ पे एक हैंडल है, वहाँ पे एक हैंडल है, ठीक है, और ये 35 kg का है, इतना हल्का भी नहीं है, सॉलिड वुड में ये बना हुआ। हम लोग इसको मूव भी कर सकते हैं, मतलब ढकेल भी सकते हैं, बट अगर आपको वो नहीं करना है तो एक आदमी वहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे, तो यू कैन जस्ट लिफ्ट थोड़ा सा और कहाँ पे भी आप ले जा सकते। तो इसका एक बेनिफिट है, दैट इज कि ये जो है ना, ये एक जस्ट 16 inch का है, अराउंड लाइक 1.5 feet का है। तो अगर आपका बेडरूम में लाइक बेड के बाजू में आपको ज़्यादा जगह नहीं है, मतलब अराउंड आपको जगह है 22 inch का और आपको एग्जैक्टली 16 inch का ही जगह है, तो उस केस में आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है, तो दैट इज़ अ मेजर एडवांटेज। तो वो कैसे ओपन करोगे आप, जस्ट आप बेडरूम में इसको ले जाओ, ठीक है, और इसको ये बंद रहेगा तो ये 6 inch का ही रहता है, राइट, तो उतना जगह तो है आपके पास, टोटल आपके पास अराउंड 22 inches का जगह है, तो वहाँ पे आप इसको ले जाओ अगर आपको इच्छा है तो। जैसा मेरे बेडरूम में वन साइड जो विंडो की साइड जो स्पेस है, इट इज़ अराउंड 24 inches, और ये बहुत बड़ा है, तो जब मैं इसको बोलता हूँ लोगों को कि ये मैं बेडरूम में भी ओपन करता हूँ, तो उनको सच नहीं लगता। तो इसके पीछे आइडिया क्या है, आपको क्या करना है, इसके लाइक 6 inch का ही है, तो आपको जस्ट लेके जाना है बेडरूम तक, ठीक है, देन यू हैव टू लिफ्ट अप थोड़ा सा, तो जैसे ही आपको जगह मिलेगा इसको ओपन करने का, आप इसको ओपन कर दो, नीचे रख दो, तो क्या होगा कि आपका टोटल जगह तो आपका 21 inches है और 22 inches है और 24 inches है, राइट, बट ये तो जो मेन है, क्योंकि यही आपका जगह लेने वाला है बेडरूम, ये तो 16 inches का ही है ना, और ये तो ऊपर जा रहा है उसके, राइट, ये तो उसके ऊपर जा रहा है, तो यू कैन ईजिली सिट ऑन योर बेड और आप इस पर काम कर सकते हो। अभी जैसा ये लेने पीछे का मेरा मकसद भी था कि मेरा एक साइड में साइड टेबल है, एक साइड में बेड है, और एक साइड में ओपन जगह, और एक साइड में विंडो है, ठीक है, और विंडो पे भी मैंने बैठने के लिए किया है। जब इसको मैं वन साइड ओपन करके बेडरूम में लेके जाता हूँ ना, तो 4 लोग आराम से बैठ सकता है, ठीक है, एक साइड वहाँ पे एंड यू कैन प्ले और यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, एंड उस पर मीटिंग भी कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम भी कर सकते हैं, और इस पर वर्क फ्रॉम होम हमारा, हम लोग अभी टोटल 4 लोग करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट इस मामले में। तो ये जो आपको दिख रहा है ना सरफेस, ठीक है, इसमें 2 कलर आते हैं बेसिकली, ये है अराउंड आई गेस, ये इसका मेरे को कलर का याद नहीं, हाँ वॉलनट है, ये वॉलनट कलर है, और एक कलर आता है कि वुडन फिनिश में आता है, बट मेरा क्या था कि सोफ़ा, देन मेरे जो घर के आजू बाजू के डोर्स भी है वो भी वॉलनट की टाइप ही दिखते हैं, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन था, तो आई प्रेफर दिस, क्योंकि अगर वो वुड का लेता वो तो पूरा डिफरेंट हो जाता है, इसके लिए मैंने ये प्रेफर किया है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको स्ट्रिप भी मिलेंगे, एक मिनट में देख पा रहा हूँ, हाँ इसमें ऐसे आपको स्ट्रिप मिलते हैं, तो स्ट्रिप का इफ़ यू वांट, तो स्ट्रिप का भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि ये मैंने परचेस कहाँ से किया है, तो ये एक्चुअली गाइस, ये मैंने परचेस किया है फ्रॉम द डायरेक्ट वेंडर से। तो बेसिकली ये जो मैंने देखा था, मैं लॉन्ग टाइम से सर्च कर रहा था ऐसा कुछ, लेकिन मेरे जो मिल नहीं रहा था प्रॉपर, तो फर्स्ट मैंने होम सेंटर में देखा था, लेकिन होम सेंटर में क्या था, वो बहुत कॉम्पैक्ट था, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ बटरफ्लाई बट वो कॉम्पैक्ट था, तो इट्स नॉट लुकिंग गुड।
सो उसके बाद मैंने सर्चिंग इसका चालू किया था फ्रॉम लाइक लास्ट 6 मंथ, और उसके बाद मुझे एक प्रोडक्ट मिला ऑन द फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो वो यही प्रोडक्ट है एक्चुअली। तो मैंने क्या किया, उस लाइक बाय करने ही जा रहा था मैं, तो उसमें मैं इमेज के लिए जूम किया, तो वहाँ पे उनका मुझे एंजल फर्नीचर करके दिखा, एंजल फर्नीचर का वाटरमार्क दिखा। तो मैंने क्या किया फिर, जस्ट एक रैंडम गूगल में सर्च किया, तो मुझे उनका वेबसाइट मिल गया angelfurniture.in, ठीक है, तो वहाँ से मैंने डायरेक्टली ये बाय किया है। और अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से इसको बाय करोगे तो आपको 2000 महंगा गिरेगा, अगर आप डायरेक्टली इस मतलब एंजल फर्नीचर से लोगे तो अराउंड आपको 12,490 का ही पड़ेगा। अभी ये भी बचा है एक, तो उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे कॉफ़ी टेबल की। सो गाइस, इसको ऑर्डर करने का प्रोसेस भी एकदम ईजी है, आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा कि आपको ऑर्डर करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है, आपको पेमेंट भी उधर ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक मेल आएगा, उसमें आपको आपका ऑर्डर आईडी आएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कम्युनिकेशन करना है रिलेटेड टू यूअर ऑर्डर, तो आप उस मेल पे उस ऑर्डर आईडी पे उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। देन अराउंड अगर ये रेडी होगा तो मोस्टली ये 2 दिन में शिप हो जाता है, और शिप होने के बाद अराउंड 6 डेज में आपके घर पे आ जाएगा। लाइक इन लॉकडाउन सिचुएशन में ये मुझे अराउंड 10 डेज में मिल गया था, तो अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो ये और बहुत जल्दी ये आ जाता था। एंड मेन थिंग है इसमें कुछ मुझे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा यूज़ करने में, नहीं तो इसके मटेरियल में कुछ भी नहीं है, सॉलिड वुड का मटेरियल है ये। तो आई गेस मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी है ऑलरेडी। इसको अगर मैं नीचे से दिखाऊं आपको, एक मिनट। ओके गाइस, तो अभी हम लोग टेबल के नीचे साइड, ये आप देख रहे हो ये किस पे है, ये हिंजेस है यहाँ पे, ये यहाँ पे हिंजेस है, ठीक है। देन उसके बाद ये ऊपर भी हिंजेस है यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए। देन यहाँ पे ये जो है ना आपको दिख रहा है, अगर फिक्स करना है ना तो आप जस्ट उसको ऊपर कर दो, ये फिक्स हो जाएगा, तो ये हिलेगा भी नहीं, मतलब किसका पैर भी अगर लगता है ना तो भी ये हिलेगा नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई गेस मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी है। अब बचा ये है, ठीक है, ये छोटू, ठीक है, तो इसके बाद इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, और इस वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई गेस ये इन्फॉर्मेशन आप सबको हेल्पफुल रहा होगा, मेरे भी पूरे पसीने छूट गए हैं। मैंने स्टार्ट किया था तब कुछ अलग चेहरा दिख रहा था, अभी कुछ अलग चेहरा दिख रहा है। तो चलिए फिर, आप देख ही सकते हैं इसको, ये अभी इसको मेरे को बंद भी करना है, बंद करके साइड में रखना है और सोने जाना है। तो चलिए सोने जाता हूँ, बाय बाय। वेट गाइस, सो इसका एक बोलना भूल गया मैं, तो इसका जो लिंक्स है लाइक ऑन द अमेजोन का लिंक, फ्लिपकार्ट का लिंक, तो ये तो यूजलेस है, तो मैं डायरेक्टली लिंक दे दूंगा आपको एंजल फर्नीचर का डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली वहां से बाय कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं रहेगा सर्च विच करने का। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।